be educated. वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू माई संडे वीकली व्लॉग. आप लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे टू शेयर अ प्रोडक्टिव डे इन माई लाइफ सॉर्ट ऑफ अ व्लॉग. तो आज के दिन मुझे काफ़ी सारे काम है, तो मैंने सोचा कि ये दिन परफेक्ट रहेगा आपके साथ शेयर करने के लिए. सो नाउ डेज आई स्टार्ट माई डे एट 8 AM. ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाती मैं, बट आई ट्राई कि 8 बजे तक तो मैं उठ जाऊँ. एज यू सॉ आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में मैंने आज एग्स लिए थे अलॉन्ग विथ कोल्ड कॉफी, एंड इट्स जस्ट अ परफेक्ट कम्फी ब्रेकफास्ट फॉर मी आजकल. इसमें प्रोटीन टेक भी हो जाता है एंड विद अ कोल्ड कॉफी इट्स जस्ट वेरी फुलफिलिंग. आज मैं सुबह ही जिम जाऊंगी बिकॉज शाम में मुझे और भी काम है. उसके पहले मेरे पास अभी 1.5 घंटे हैं टू डू सम वर्क. तब तक मेरा ब्रेकफास्ट भी डाइजेस्ट होगा एंड देन आई एम गोना हेड टू द जिम. आई एम गोना गो विद माय ब्रदर, ही इज गोना ड्रॉप मी टू माय जिम, फिर वो अपने जिम जाता है एंड देन ही पिक्स मी अप एंड वी आर बैक होम. सो दिस हैज बीन अ लिटिल रूटीन फॉर अ व्हाइल नाउ. तो अभी मुझे करना है थोड़ा सा काम. आई हैव टू रिप्लाई टू माय मेल्स. तो मैं ट्राई करती हूँ कि सुबह सबसे पहले अपने मेल्स रिप्लाई कर दूँ एंड उसके बाद आई हैव टू प्लान माय डे अहेड. विच यू गैस नो, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो आपको पता होगा एवरी डे एवरी मॉर्निंग आई मेक माई टू डू लिस्ट. सो आई एम गोना डू दैट एंड जस्ट सॉर्ट सम कॉन्टेंट आइडियाज इन ऑल. एंड उसके बाद आई ऑल्सो हैव टू फिल्म अ क्विक वीडियो, तो वो करेंगे. एंड मैं अपने स्टूडियो में अकेले नहीं हूँ ऑफकोर्स. गेस करो मेरे साथ कौन है. मेरा बच्चा मेरे साथ सुबह सुबह उठ के हमेशा स्टूडियो आ जाता है. ये कोई हेल्प नहीं करता है, पहले इतनी मस्ती करता है, इतनी मस्ती करता है, इतनी मस्ती करता है. लिटरली गाइज, जब भी मुझे स्टूडियो आना होता है मेरे पास 3-4 बैग्स होते हैं. एक में आउटफिट्स होते हैं मेरे, कैमरा वगैरह, एक में मेरी सारी लैपटॉप आईपैड वगैरह, और उसके बाद भी मुझे उसको गोदी में लेके स्टूडियो आना पड़ता है क्योंकि ये एवरी डे जिद करती है. इसके बिना मैं नहीं आ सकती, ये आने ही नहीं देगी, है ना एला. हेलो सबको. आज सच में जिम जाने की हिम्मत नहीं हो रही है. ऊपर से मेरा लेग्स है आज. लेग्स के टाइम और आपको ऐसा स्ट्रेंथ चाहिए होता है, और आज मेरे को बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं कर रहा है. इतना ज़्यादा आलस आ रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, आई कांट इवन टेल यू गाइस. बट जाना तो है, मुझे भी घर भी जाना पड़ेगा क्योंकि एली को नीचे छोड़ना है घर पर, और एक बार सबसे मिल लूँगी फिर जाऊँगी जिम. एंड दिस इज़ माई जिम का गो टू हेयर स्टाइल. बिल्कुल भी बाल मुँह पर नहीं आते फिर वर्कआउट करते टाइम. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे. These leggings from Adidas. This I got from Nykaa Fashion. I think ये उन्हीं का जो brand है उसका है. And this is from Savannah Urbanic. And मैं अपने Instagram stories पर हमेशा अपनी gym fits डालती रहती हूँ. And a lot of people always ask me कि ये पीस कहाँ से है, वो पीस कहाँ से है. तो मैंने सोचा ब्लॉग पर शेयर कर दूँ. मैं जिम बैग इज ऑल्सो रेडी. पानी भरेंगे घर जाके ठंडा ठंडा और जिम के लिए निकलेंगे. एंड वन मोर थिंग, लिप बाम. आई हैव बिन यूजिंग दिस हाइफिन का लिप बाम रिसेंटली. मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. आई थिंक दिस इज़ द वनीला वन. दिस ऑल्सो हैज़ SPF विच आई लव. आई एम रेडी. आज मेरा लेग डे था. आई स्टार्टेड विद माई स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप स्क्वाट्स. एंड उसके बाद मैं सबसे पहले कर रही हूँ स्मिथ मशीन पे स्क्वाट्स. सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था विद 10 kgs और धीरे धीरे 20 kgs पे प्रोग्रेस किया. एंड टू बी ऑनेस्ट, आज वर्कआउट करना सच में बहुत टफ लग रहा था. मैंने 2 एक्सरसाइजेस स्किप भी कर दी. आई डिड नॉट डू माई लेग कर्ल्स एंड लेग एक्सटेंशन. एंड उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे हिप थ्रस्ट करने. एंड आई हैव अ लव हेट रिलेशनशिप विद दिस मशीन. मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है पर उतना ही ज़्यादा दर्द भी होता है.
बट यस आई डिड दिस एंड आफ्टर हिप थ्रस्ट मैंने सोचा लेग प्रेस भी कर लेते हैं। एंड उसके बाद आई एंडेड माई वर्कआउट विद ट्रेडमिल एज यूजुअल। आई डिड माई 20 मिनट्स ब्रिस्क वॉक एंड आई कॉल्ड इट अ डे। यूजली मेरा वर्कआउट इससे थोड़ा सा और ज़्यादा होता है बट ऑनेस्टली गर्मी की वजह से मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं थी एंड आई एम हैप्पी कि मैंने इतना वर्कआउट भी कर लिया आज। हेलो गाइज, टॉकिंग टू यू आफ्टर अ वाइल। जिम से आके शावर लेने के बाद एंड लंच करने के बाद ऑफकोर्स आई हैड द लॉन्गेस्ट नैप। मेरा आज मम्मी पापा के साथ प्लान था लंच के बाद बाहर जाने का थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। ओ या, बाय द वे पापा इज बैक इन टाउन सिंस लास्ट वीक, वो पूरे हफ्ते से हैं एंड मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया। मैंने एक मिनी ब्लॉग डाला था कुछ टाइम पहले, हम सब डिनर के लिए बाहर गए थे। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि पापा आए हुए हैं। तो यस, जब पापा आते हैं तो आई मेक श्योर कि एक बार तो मैं उनके साथ शॉपिंग का एक राउंड लगाऊँ, शॉपिंग का चक्कर लगाऊँ, क्योंकि ऐसे तो वो अपनी शॉपिंग कभी अकेले करते नहीं हैं। तो मैं और मम्मा उनको पुश करते हैं और हमेशा लेके जाते हैं शॉपिंग के लिए। तो यस, वो प्लान था आज कि हम शॉपिंग पे जाएंगे एंड मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गहरी नींद आई, मैं बता नहीं सकती। एंड आई ऑल्सो फेल्ट वेरी टायर्ड और एकदम एग्जॉस्टेड, जबकि आज मैंने सारे एक्सरसाइजेस किए भी नहीं प्रॉपर जितना मैं अपने लेग डे पे सारे मशीन्स करती हूँ। आज मैंने 3 ही एक्सरसाइजेस प्रॉपरली किए बट आई वॉज सो टायर्ड कि मुझे नैप की बहुत ज़रूरत थी तो मैं सो गई। अभी 5:30 बज रहे हैं और मैं ऊपर आई हूँ फटाफट से रेडी होने एंड फिर हम सब जाएंगे। आई थिंक या तो हम गौर सिटी मॉल जाएंगे या तो फिर एज यूजुअल DLF मॉल जाएंगे। आज जो मेन एजेंडा है वो जैसे मैंने आपको बोला वो है पापा की थोड़ी बहुत शॉपिंग कराना और वो कल जा भी रहे, कल उनकी फ्लाइट है तो आज कुछ भी करके हमें जाना ही था। आई डोंट नो व्हाई बट आई थिंक मेरी आँखें थोड़ी स्वोलन है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, बट मैं सोचा थोड़ा बहुत मेकअप करके चलते हैं आज ताकि थोड़ी मैं डिसेंट लगूँ। जल्दी से रेडी होंगे, मम्मी पापा नीचे रेडी हो रहे हैं, फिर हम निकलेंगे एंड फिर मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। रेडी गाइज, मैंने अपने बाल आज जैसे शार लिया था तो ऐसे ही छोड़ दिया, मुझे अभी बैठ के इसको स्ट्रेट वेट करने का मन नहीं है। सो वी आर गोइंग विद द फ्रिजी हेयर लुक, वी आर गोइंग विद द हैग्रिड हेयर स्टाइल, बट वट एवर आई एम गोना टाई इट। मैंने अपना ये हेयर टाई यहीं रखा हुआ है बट आई एम गोना क्विकली शो यू गाइज माई क्यूट लिल आउटफिट। आई थिंक ऐसी ड्रेसेस समर्स के लिए परफेक्ट होती हैं बिकॉज आपको कुछ नहीं सोचना पड़ता, यू कैन जस्ट वेयर इट एंड यू गुड टू गो। लेट मी शो यू, अभी पर्स लेना है मुझे बट This is what I'm wearing. This little brown bodycon t-shirt dress that I got from Urbanic a while ago. Camera focus hi nahi kar raha, wow, but I hope aapko dikh raha hoga. Maine niche apni platform wali black sandals pehen li hai. Abhi main kafi late ho rahi hu to fatafat chalte hain, main aapko wahan pe milti hu. गाइज फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम गौर सिटी मॉल ही चलेंगे, एक तो वो पास भी है एंड जो पापा ब्रांड्स पहनते हैं वो सारे इस मॉल में हैं। सो वी रीच द मॉल और स्टार्ट हो गई है शॉपिंग एज यूजुअल। पापा सारी चीज़ें अपनी वाइफ पे छोड़ देते हैं कि मम्मी ही डिसाइड करेंगी कौन सी टी शर्ट्स लेनी है कौन सी शर्ट लेनी है, तो मम्मी यहाँ उनके लिए पिक कर रही हैं आउटफिट्स। मीनवाइल मैंने सोचा कि जब मॉल आ ही गए तो नीचे चलते हैं मम्मी के लिए भी कुछ देख लेते हैं एंड वी रियली लाइक दिस बैग तो हमने उनके लिए ये ले लिया है। एंड लास्टली मैंने भी अपने लिए कुछ चीज़ें ली डीकैथलॉन से क्योंकि मुझे जिम के लिए कुछ सामान चाहिए था। आई कुड नॉट टेक एन एंडिंग टू दिस व्लॉग बट यस, आई होप आपको ये व्लॉग देखने में मज़ा आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई एम गोना सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।